हेलो फ्रेंड्स, आप IAS यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से मिला जो UPSC के क्वेश्चन सेट करने वाले टीम के सदस्य थे। फ्रेंड्स, बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली में रहकर UPSC का प्रिपरेशन किया करता था। जिस संस्थान में मैं पढ़ता था उसी संस्थान में कंटेंट राइटर के रूप में काम भी किया करता था। अभी कुछ दिन पहले ही UPSC का मेंस एग्जाम समाप्त हुआ था। दिल्ली में थोड़ी सी ठंड थी। दिल्ली में ठंड की मौसम और संडे की सुबह काफ़ी खूबसूरत होती है। थोड़ी धुंध, वहाँ से छन कर आती हुई सूरज की रोशनी लाजवाब लगती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हर दिन की तरह मैं जल्दी उठा, अपने आप को फ्रेश किया और बालकनी में जाकर थोड़ी शोर और थोड़ी ठंड का मजा ले रहा था। लगभग 7 बज रहे थे। उसी वक्त पर मेरे ही संस्थान के पॉलिटी पढ़ाने वाले टीचर और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट का फोन आया। उन्होंने फोन किया क्योंकि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से मिलने जाना था। उनका ड्राइवर नहीं था तो उसे कोई ड्राइवर चाहिए था जो गाड़ी चलाकर उनके साथ जा सकता था। मेरे सारे समकक्ष या तो सोए हुए थे या फिर किसी को जाने का मन नहीं था। मेरे पास लाइसेंस नहीं था। मैंने उन लोगों को बताया कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है। सबने कहा, एडवोकेट के साथ जा रहे हो और सुबह का वक्त है, कुछ नहीं होगा, जल्दी वापस आ जाओगे, चले जाओ। थोड़ी ही देर में मैं गांधी विहार से निकलकर मुखर्जी नगर, जहां लगभग सारे कोचिंग संस्थान के टीचर एक जगह रहते हैं, वहां पहुंच गया। प्रोफेसर एडवोकेट जो हमारे टीचर थे, पॉलिटी पढ़ाते थे, वो मुझे पहचानते थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दी और कहा, गाड़ी निकालो। जब तक मैं गाड़ी निकाल कर लेकर आता, तब तक प्रोफेसर गेट पर खड़े थे। लगभग 10 से 15 मिनट के रास्ते के सफ़र के बाद हम प्रोफेसर के घर के पास पहुँच गए। प्रोफेसर का घर थोड़ा सा शांत था। जो लोग अपने ग्रेजुएशन पीरियड के दौरान प्रोफेसर के घर गए होंगे, वो जानते होंगे कि प्रोफेसर का घर कितना शांत होता है। शायद उनकी पत्नी जॉगिंग पे गई थी और उनके बच्चे थे नहीं शायद। प्रोफेसर ने मेरे बारे में पूछा, ये कौन है? तो मेरे टीचर ने बताया कि ये मेरे ही कोचिंग संस्थान का एक स्टूडेंट है। उसके बाद उन्होंने चाय के लिए पूछी। क्योंकि मैं चाय पीता नहीं हूँ तो मैंने इनकार कर दिया। प्रोफेसर खुद गए, वो चाय बनाकर लेकर आए और मेरे टीचर जो कि एडवोकेट थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दोनों आपस में बात करने लगे। चाय पीते पीते वो थोड़ी हंसी मजाक के बाद अपने केस के सिलसिले में बात करने लगे। वो सारी बातें मेरे लिए कोई मायने का नहीं थी। मैं बगल में रखे हुए न्यूज़पेपर को देखने लगा। 3 न्यूज़पेपर रखे थे बगल में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड तो शायद खुला भी नहीं था, लेकिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी पेज खुला हुआ था। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि बगल में एक मार्कर रखा था और कुछ न्यूज़ थे जो सेम न्यूज़ थे द हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी, उसको मार्क किया गया था हाइलाइटर से। हम स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी कभी मार्क नहीं करते, लेकिन वहां पर ऐसा था।
ये सारा मेरे लिए नया था। जाने की थोड़ी सी उत्सुकता हुई तो मैं इधर उधर देखने लगा। थोड़े ही बगल में मैं जब देखा तो एक रेक था जहां पर शायद 7-8 महीने के न्यूज़पेपर रखे थे। उन न्यूज़पेपर में अलग अलग रंगों के टैग लगे हुए थे। मैं उन सारे चीजों को देख रहा था। वो दोनों अपने में बिजी थे और मैं अपने उत्सुकता का कारण ढूंढ रहा था। जब उन लोगों की बात समाप्त हुई, उसके बाद प्रोफेसर ने मेरे बारे में मुझे से पूछा। मैंने अपने बारे में कुछ बहुत बताया और ये भी बताया कि मैं यहाँ UPSC का प्रिपरेशन करता हूँ और मुझे IAS बनना है। उन्होंने मुझे कहा, हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से? मैंने उनको बताया हिंदी मीडियम से। उसके बाद मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा उस प्रोफेसर से कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद जो बात हो रही थी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, प्रोफेसर अंदर गए, वे एक डायरी लेकर आए जो लगभग 500 पेजों के आसपास रही होंगी। उस डायरी को खोलकर दिखाते हुए उन्होंने बताया कि हम लोग एक टीम है जो क्वेश्चन सेट करते हैं और वो एक डायरी मेंटेन करते हैं न्यूज़पेपर से। जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां छपती हैं, जो UPSC के सिलेबस के अनुसार होता है, उसको लिख लिया जाता है। ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट इस बात को शायद ही कभी करता होगा, और जो करता होगा वही सेलेक्ट भी होते होंगे। वो ये बात कर रहे थे कि इसी डायरी से जब क्वेश्चन सेट करना होता है तो हम सेट कर देते हैं, किसी मैगजीन या फिर किसी भी चीज़ को हम कभी भी ध्यान नहीं देते। हमें बस ये पता होता है कि ये न्यूज़ में था और इसके आसपास जो सिलेबस के अनुसार है क्वेश्चन सेट किया जाना है। फ्रेंड्स, जो बात हुई उस दिन, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम हिंदी मीडियम वाले या तो हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई मैगजीन पढ़ते हैं। आप खुद सोच के देखिए, जिस मैगजीन को आपने पिछले 3 महीने पहले पढ़ा है, क्या आपने कभी उसे रिवाइज किया? बहुत कम। जब तक आप उसे एक बार खत्म करोगे या फिर उसे दोबारा रिवाइज करने के लिए जाओगे, तब तक नया मैगजीन आ चुकी होती है। उसे रिवाइज करने का वक्त बहुत कम मिलता है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो उन्हीं स्रोतों को पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोच के देखिए, कोई एक ऐसा सिटी जो बार बार किसी वजह से न्यूज़ में आ रही हो, मान लेते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में बार बार आ रही हो, और वो क्वेश्चन सेट करने वाले की नज़र में आ गया, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब जिस स्टूडेंट ने, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ने उसे 5 से 10 बार देख लेगा तो उसके दिमाग में वो बैठ जाएगा। उसी चीज़ को एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को अलग से एक मैगजीन में पढ़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा है, उसे मैगजीन में पढ़ने पड़ रहे हैं, तो जिस वक्त पर हिंदी का स्टूडेंट मैगजीन पढ़ेगा, उस वक्त पर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कुछ दूसरा पढ़ेगा और वो आपसे आगे निकल चुका है। गैप यहाँ पर बन रहा है। हम सबों को समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। जिस दिन मुझे ये बात पता चला, उस दिन के बाद से मैंने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया। जो वो स्रोत हैं, हर दिन उनको फॉलो करता हूँ और उन्हीं स्रोतों से मुझे 2 से 3 घंटा लग जाता है अपने कंटेंट तैयार करने में। लगभग 10 कंटेंट हर दिन जमा होते हैं। आप सबों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो।
यदि आप मैगजीन पढ़ते हो तो उसे रिवाइज करो, टाइम मेंटेन करो, क्वेश्चन सेट करने वाले काफी डायनामिक होते हैं, किसी एक मैगजीन पर डिपेंड होकर वो नहीं बनाते। आई होप आपको कुछ चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच।